नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अलोक इंडस्ट्री की। बिल्कुल शॉर्ट में टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट के साथ। वैसे तो इस स्टॉक से रिलेटेड मेरे पास काफी व्हाट्सएप पर और यूट्यूब में कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर स्टॉक के बारे में बताइए, तो इसलिए आज मैंने ये स्टॉक चुना। उसके पीछे क्या वजह है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री में काफी कोर्स मिलती रहती है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले अगर आपने स्टॉक को देखा हुआ है तो काफी मित्र यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये तो चार्ट हमने लोक नष्टी ऐसा देखा ही नहीं, क्योंकि ये है वीकली चार्ट। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस ने वीकली चार्ट कभी इसका खोल कर देखा है। मोस्टली ट्रेडर डेली या फिर इंट्राडे चार्ट ही देखते हैं। दोस्तों इसका डेली का चार्ट भी आपके साथ शो करूंगा, उससे पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें 19 मार्च फ्राइडे को इसमें जो बल्क डील हुई है, बल्क डील के द्वारा यहां पर 2,52,00,000 शेयर बाई किए गए हैं। और ये फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है यूएस की, द वैंगार्ड ग्रुप, इन्होंने यहां पर देखिए 19.91 के प्राइस पर बाई किया है। ऑलमोस्ट 20 के प्राइस पर यहां पर इन्होंने ये बड़ी क्वांटिटी बाई की है। और इससे पहले भी जब भी कोई फंड कंपनी इस स्टॉक में देखिए बाई करती थी, पहले भी देखिए 2.20 पर यहाँ पर अल्फा ने यहाँ पर देखिए बाई किया था। और स्टॉक आप देखोगे चार्ट पर अभी बाद में तो ये 60 के प्राइस तक टच करके गया था। बाकी दोस्तों मैं इसकी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा कि कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री ने इंक्वायर किया है या फिर इसकी कंपनी का डेप्थ था। हम सिर्फ पॉजिटिव इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट की बात करेंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके। तो यहां पर आप देखोगे कि प्रमोटर की जो होल्डिंग थी पहले सितंबर 2020 के क्वार्टर से पहले वो सिर्फ जीरो हो गई थी। अब देखिए सितंबर 2020 में 75% प्रमोटर के पास स्टेक है। पहले देखिए पब्लिक के पास शेयर था ये 97% करीब, और अब सिर्फ पब्लिक के पास सिर्फ 24% के करीब है। और यहां पर आप देखोगे कि FIs और DIs के पास भी यहां पर एक स्मॉल यहां पर स्टेक है। और अगर आप यहां पर देखोगे कि सितंबर के मंथ में यहां पर 4,500 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर क्वार्टर में -35 फिर से, तो शायद इसलिए यहां पर फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बाय किया कि आने वाले समय में इस कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव में आए। अब वापिस बात करते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर आप यहाँ पर वीकली चार्ट पर आप देखोगे कि ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस ट्रेंड लाइन पर, और नीचे ये देखिए सपोर्ट का लेवल है इसका 18 और 19 के पास। तो जैसे ही 19 और 20 के प्राइस के पास आता है इसमें बाइंग आ जाती है। आप डेली के चार्ट पर देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट यहाँ पर होल्ड करिए। यहाँ पर आप देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक पहले 2 के प्राइस से चलना स्टार्ट हुआ और ये देखिए 60 के प्राइस तक गया, उसके बाद नीचे आता गया। और यहां पर देखिए सितंबर के मंथ में रिजल्ट भी अच्छे आए थे और प्रमोटर ने भी यहां पर बाइंग की थी और स्टॉक का प्राइस ये 26 के प्राइस तक गया था, 19 के प्राइस से लेकर 26 के प्राइस तक चला गया था। और साथ में इसमें आप देखोगे कि बीच बीच में ये देखिए आप वॉल्यूम इसमें काफी अच्छे आते हैं लेकिन सेलिंग कम है, सेलिंग के वॉल्यूम कम है और बाइंग के अब देखोगे वॉल्यूम काफी अच्छे से बाइंग इसमें आती है। यहां पर देखिए जो अभी लास्ट फ्राइडे को भी देखिए बाइंग आई है, जो फंड कंपनी ने बाइंग की है, तो आप यहां पर बाइंग वॉल्यूम देख सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो बिल्कुल अगर आप इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो यहां पर आपका 18 का स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए ये 19 के प्राइस के पास आता है तो इसमें बाइंग आ जाती है, तो इसलिए 18 का लेवल इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल एक स्मॉल स्टिक स्टॉप लॉस। अगर आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बड़ा कर लेते हो तो यहां पर आप देखोगे
ये जो लेवल पहले वाला इसका रेजिस्टेंस लेवल था, जब इसने दोबारा इसको ब्रेक किया था तो वो वापस नहीं आया था। तो अगर ये लेवल दोबारा ब्रेक हो जाता है जो कि है 16 का, जैसे आपने वीकली चार्ट पर भी देखा, आपको वीकली चार्ट पर बता देता हूँ, वीकली चार्ट पर आप यहां से अच्छे समझोगे। ये देखिए, अगर ये 16 का प्राइस ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे डाउनफॉल कंफर्म है। तो इसलिए इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, और टारगेट की बात रहेगी तो एक स्मॉल टारगेट बिल्कुल इसमें 26 का टारगेट रहेगा, लेकिन इसमें फास्ट मूवमेंट आएगी दोस्तों। जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ये 23.50 के लेवल को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर निकलेगा, तब इसमें फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अभी ये देखिए कि काफी सितंबर 2020 से ये एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए इस लेवल पर, ये 20 रुपए के प्राइस पर, इसमें बाइंग का लेवल काफी अच्छा है, क्योंकि यहां पर रिस्क बहुत कम है, स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल नजदीक है। अगर आप इसमें 18 का स्टॉप लॉस रखते हो तो यहां पर आपका सिर्फ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका यहाँ पर मिनिमम 6 पॉइंट का। और अगर दोस्तों ये आप यहाँ पर देखोगे कि ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाते हैं 26 के, इसके बाद इसका टारगेट 42 और 60 का टारगेट रहेगा। तो नेक्स्ट टारगेट आप इसके यहाँ पर 40 और लॉन्ग टारगेट 58 60 का टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको दोबारा बता देता हूँ इन शॉर्ट की, इसमें देखिए बल्क डील हुई है 2 करोड़ 250 लाख की, यहाँ पर शेयर बाय किए गए हैं एफआईज के द्वारा, और इसलिए इस स्टॉक में मूवमेंट जरूर आ सकती है। और जैसे इसमें ब्रेकआउट भी दिखेगा तब इसमें फास्ट मूवमेंट आएगी, और प्रमोटर, यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रमोटर चेंज हो गया और प्रमोटर की होल्डिंग भी 75% हो गई है। पब्लिक से प्रमोटर के पास सारे शेयर्स आ चुके हैं करीब। तो मेरे हिसाब से इस पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए दोस्तों। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आप सिर्फ एक स्टॉक में कभी भी जिद मत कीजिए कि मुझे सिर्फ एक स्टॉक में ही करोड़पति बनना है या एक स्टॉक में ही प्रॉफिट करना है। मोस्टली ट्रेडर यही गलती कर जाते हैं कि एक स्टॉक में ज्यादा पैसा लगा देंगे और उसी में ही होल्ड करते रहेंगे और उसी को देखते रहेंगे डेली कि बस मुझे इसमें प्रॉफिट लेकर ही निकलना है बाहर। तो ये गलती कभी मत कीजिए, स्टॉक में उतना ही पैसा लगाइए जितना आपको लगे कि अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा इतना रिस्क या इतना मेरा लॉस जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मेरे डिस्क्लेमर रहेगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।